हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। गेट 2020 के लिए अब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 8 मंथ्स का टाइम है और आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करना शुरू कर चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में इन्वॉल्व थे वो भी अब फ्री हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ जो अब ये 8 मंथ्स है तो रैंक का आना अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर कि आप इन 8 मंथ्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आपकी यही स्टडी की रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए जो गेट एकेडमी का इनिशिएटिव है वो कॉम्बैट के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज से हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कॉम्बैट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा पर्पस जो होगा, बहुत टफ क्वेश्चंस लेकर के आने का ऐसा कोई पर्पस हमारा नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवाया जाए, तो इसलिए यहाँ जो कॉम्बैट हम लेंगे उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर लिख रखा है कि हम किस सीक्वेंस में लेने वाले हैं अपने कॉम्बैट के क्वेश्चंस, जिससे कि पार्ट बाई पार्ट आपका रिवीजन होता चला जाए। और एक क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम सिर्फ उस क्वेश्चन की बात करें, उससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को हम डील कर सकें कि उससे आसपास के क्वेश्चंस जब आएँ तो आप कंफर्टेबल रहें उस इन चीज़ों को समझ कर उनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने जो ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। सेकंड पार्ट में हम सिस्टम्स की बात करेंगे, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर क्वेश्चंस होंगे। थर्ड पार्ट में हम इन कॉन्वोल्यूशन पर क्वेश्चंस रख सकते हैं, कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन या फिर डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन, दोनों के केसेस में। उसके बाद फिर LTI सिस्टम्स, यहाँ तक करने के बाद फिर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। वहाँ हम शुरू करेंगे अपना कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज से। उसके बाद फिर होगा हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म और फिर जेड ट्रांसफॉर्म। ये तो आपका कॉमन सिलेबस है, जो EE के स्टूडेंट्स हैं, ECIN के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन EC और IN के लिए कुछ टॉपिक्स जो आपको एडिशनली पढ़ने होते हैं वो टॉपिक्स हैं ऐसे DTFT, DFT, FFT, डिजिटल फिल्टर्स एंड डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। इसमें ये जो डिजिटल फिल्टर्स का टॉपिक है ये आपका EE के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये आपके Z ट्रांसफॉर्म का ही एक एप्लीकेशन का पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके EE के स्टूडेंट्स को भी आ चुके हैं और अभी भी आपको इनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको भी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से देखिए, हम टोटल 20 क्वेश्चंस हम इस पोर्शन से डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से अलग से रखेंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज के लिए, वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स और IN ब्रांचेज के लिए होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको अभी इतना अपने आप में इतना जोश आपको रखना है कि जहाँ से भी आपको नए क्वेश्चंस मिले तो वो आपको एक गिफ्ट टाइप का लगना चाहिए। आप इतने अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहें बाकी सारी चीज़ों से, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होकर, कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको विलिंगली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया अपने कॉम्बैट का, कॉम्बैट 1 सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ये आपका बेसिक से ये क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स अभी करेंटली स्टडी नहीं कर रहे हो तो भी आप इस पर अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ऐसा इसमें हमने कुछ नहीं रखा है। सिंपल एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम एक बार डिक्टेट करो मैं इस क्वेश्चन को, कंसिडर अ सिग्नल x(t) विच मे हैव नॉन जीरो वैल्यूज ओनली इन द इंटरवल -2π to 2π। इट इज नोन दैट सिग्नल x(t) इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स u(sin t) फॉर द इंटरवल -2π to 0, एंड ऑड इक्विवेलेंट ऑफ x(t) इज x(odd)t इज इक्वल्स टू α/2 टाइम्स sin t फॉर द इंटरवल 0 to 2π। इफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल x(t) इज 128 π जूल्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। एक बार हम फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे बताया गया है सिग्नल x(t) की नॉन जीरो वैल्यूज हो सकती हैं किस रीजन में, ओनली इन द इंटरवल -2π to +2π। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इस पूरे इंटरवल में सिग्नल नॉन जीरो वैल्यू ही रखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यह बता दिया गया कि इस इंटरवल के बाद तो सिग्नल हमारा डेफिनेटली जीरो है। अब उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल -2π से 2π एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी वैल्यू आपको सिर्फ t < 0 के लिए बताई गई है। -2π से 0 के बीच में सिग्नल की वैल्यू है α u(sin t). ये u रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप फंक्शन को, ठीक है। और इसके ऑड इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको बताई गई है ओनली फॉर t > 0। t < 0 के लिए चीज़ आपको नहीं बताई गई है, वैल्यू है α/2 sin t। तो इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि इस x(t) की जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज 128 π जूल्स। तो पूछा गया था वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट आप करेंगे तो आपके कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कितने इन्वॉल्व हैं। और अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो गेट के लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन को करके, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। तो जो भी चीज़ें प्रॉब्लम रिगार्डिंग जो चीज़ें होंगी वो तो बिल्कुल जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन के अलावा इस पूरे टॉपिक से, जिन जिन चीज़ों से यहाँ पर हमने टॉपिक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, उन सबको एक बार हम ब्रॉडली
थोड़ा एक बार हम उसको कॉन्सेप्ट को देख सकें कि वहाँ से और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप की चीज़ों पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, जिन टर्म्स को गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो पिछले लास्ट 5 ईयर के पैटर्न को अगर आप देखें तो कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि थोड़ा जो कन्वेंशनल जो चीज़ें आ रही थी उनमें ट्रेडिशनली जो था उसमें थोड़ा सा चेंज आया, तो आप उन चीज़ों के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहें। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स आपने कितने भी अच्छे से पढ़ रखे हैं लेकिन जब तक आप उनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, नहीं की है तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए। तो उन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को करने के साथ यहाँ जब आप कॉम्बैट के क्वेश्चंस भी करेंगे तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपके क्लास नोट्स हैं आपके पास, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, टाइम टू टाइम आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कॉम्बैट के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, जो 20 क्वेश्चंस होंगे कॉम्बैट के, ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे, इनके साथ आपको एक बहुत हम चाहेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का रेंज हम यहाँ पर कवर कर सकें, और उसके बाद फिर आपके इन्वॉल्वमेंट से हमें पता चलेगा कि आपके कमेंट सेक्शन से कि आपको किस इस टॉपिक में और कुछ रिलेटेड ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपको डाउट है, तो आप अगर वो मेंशन करेंगे तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस हम रख पाएं। यहाँ जो भी क्वेश्चंस होंगे कभी किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो स्पेशली आपके लिए फ्रेम्ड किए क्वेश्चन होंगे, जिनको देखकर आपको कुछ चीज़ें जो आप हो सकता है स्किप कर रहे हो उनको आपको थोड़ा अच्छे से आप उन पर एम्फसाइज कर सको। तो बिल्कुल, अब हम कमेंट सेक्शन में आपके इन कमेंट्स का इंतजार करेंगे, और आपको जैसा भी फील हुआ क्वेश्चन को देखकर वो आप ज़रूर लिखिए, अपने अटेम्प्ट कीजिए इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, और फिर सॉल्यूशन में ज़रूर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।